नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मंदिर में या अपने घर में बने मंदिर में आपने घंटियाँ अवश्य देखी होगी। श्रद्धालु दर्शन करने से पहले और बाद में इन घंटियों को अवश्य बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटियों को बजाना केवल एक परंपरा का हिस्सा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती है, इस पर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की रिसर्च किए हैं। तमाम स्टडी के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घंटियों की आवाज़ सूक्ष्म होती है लेकिन दूर तक सुनाई देने वाली भी होती है। इन घंटियों को बजाने से कंपन पैदा होता है जिससे वायुमंडल में तैरने वाले बारीक विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। घंटी बजाने से पर्यावरण शुद्ध हो जाता है और लोग लंबे समय तक फिट रहते हैं। एक शोध से यह भी पता चला है कि मंदिरों की घंटी से निकलने वाली ध्वनि करीब 7 सेकंड तक गूंजती रहती है। उसकी यह गूंज तन और मन को गहरी शांति प्रदान करती है। इससे हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी कुछ समय के लिए खत्म हो जाते हैं। मंदिर की घंटी की गूंज से मन में उत्साह और खुशी का संचार होता है। इसके अलावा सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को संगीत बहुत पसंद रहा है। डमरू, घंटा, शंख, वीणा जैसे वाद्य यंत्र हम भगवान की विभिन्न तस्वीरों में देखते हैं। घंटी भी एक ऐसा ही वाद्य यंत्र माना जाता है जिसे बजाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। अगर स्कंद पुराण की बात करें तो उसमें बताया गया है कि घंटी की ध्वनि से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होती है। माना जाता है कि ओम के उच्चारण से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल संस्कारी ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।